हाय गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं टेक लोन। गाइस, आज मैं आपको फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन देने वाला हूं द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का। गाइस, ये इंडिया की सेफेस्ट कार है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ये ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार रेटेड है। अभी हमारे पास ये टाटा नेक्सॉन का एग्जेड प्लस ऑप्शनल वेरियंट है जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट है। इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है जो कि इसे 120 की BHP एंड 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो आओ अब करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट और देखते हैं कि इसका इंजन आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो गाइस, अभी हम हाईवे के ऊपर आ गए हैं। अभी जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, इसमें मेरे को जरा भी लैग देखने को नहीं मिला। बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला मेरे को। पिकअप गाड़ी का मैं बहुत अच्छा बोलूंगा क्योंकि दूसरी गाड़ियों में जैसे काइगर हो गई या फिर मैग्नाइट हो गई, जब आप उनको स्टार्ट करते हो तो हल्का सा ग्लाइड करती हैं गाड़ियां, बट इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्विक रिस्पॉन्स टाइम है इस गाड़ी का बहुत। जिन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से कम रहती है ना, वो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करती मोड़ने में। उनके टर्निंग एंगल्स बहुत ही कम रहते हैं जिसकी वजह से वो बड़ी शार्पली टर्न हो जाती हैं। तो ऐसे ही इस गाड़ी के साथ भी है, बहुत ही क्विकली टर्न हुई। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जब भी कोई गाड़ी आप टर्न करते हो तो उसका स्टेयरिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन को रीगेन कर पाता है नहीं। तो इसका स्टेयरिंग काफ़ी लाइट वेट है। जैसे मैंने टर्न कंप्लीट किया तो ये ओरिजिनली अपनी पोजीशन पे वापस से आ गया, जिसकी वजह से मेरे को मैनुअली फोर्स लगाना नहीं पड़ा। इसके जो गियर्स हैं और जो क्लच है ना, वो वाकई में बहुत स्मूथ है एंड स्विच करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस, इसमें आपको ना 3 मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। तो अगर आपको पावर एंड फ्यूल एफिशिएंसी का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो आप सिटी मोड में इसको ड्राइव करो। अगर आपको सिर्फ गाड़ी से फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आप इको मोड में इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स मोड, वो आपके लिए तब है अगर आपको गाड़ी से बहुत ही अच्छी पावर जनरेट करनी है एंड आपको एक स्पोर्ट्स वाली फीलिंग चाहिए गाड़ी के अंदर, या फिर आपको मेनली ऑफ रोडिंग करनी है, तो आप उस केस में स्पोर्ट्स मोड का यूज कर सकते हैं। बट जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलेगी तो फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको पता होगा कि जब भी आप ओवरटेक करते हो किसी गाड़ी से, अगर आपको अंडर पावर गाड़ी फील हो तो आप बोल सकते हो कि उसके इंजन में उतना दम नहीं है। लेकिन अभी मैंने जैसे गाड़ी को ओवरटेक किया ना, तो सीरियसली बहुत ही कमाल की पावर जनरेट करती है ये गाड़ी, और ओवरटेक करने में ना आपको मजा आ जाता है सही में। हल्की सी नॉइज जरूर रहती है 2500 से 3000 RPM के पास, बट वो नेग्लिजिबल है। बट इसका जो टर्बोचार्ज इंजन है ना, वो 2500 RPM के बाद तो ऐसा मोमेंटम गेन करता है ना कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। अगर मैं इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ ना, तो गाइस सामने इतनी बड़ी विंड स्क्रीन आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा, इसमें 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जिसकी वजह से मैं काफ़ी अपराइट बैठा हूँ और अच्छी हाइट पर बैठा हूँ मैं, तो मेरे को बोनेट भी विजिबल है एंड रोड भी विजिबल है। तो विजिबिलिटी के मामले में 10 out of 10। अभी मैं ना इसको पुश दे रहा हूँ गाड़ी को, और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसके अंदर। गाइस, अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हो ना, तो आपको ये गाड़ी ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो वन ऑफ द सेफेस्ट कार है इंडिया की, एंड पिकअप के मामले में, एक्सेलरेशन के मामले में इससे बेस्ट गाड़ी आपको 10 लाख के आसपास नहीं मिलने वाली। अभी हम कच्चे रोड पर हैं। इंडिया में मेनली आपको हर जगह पर ऐसे रोड मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दी गई है जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग में हेल्प मिलती है। दूसरा, इस गाड़ी में आपको बहुत ही अच्छा सस्पेंशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको ना गड्ढे या फिर स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा फील नहीं होते, तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल बहुत ही स्मूथ रहेगा। तो गाइस, ये था टेस्ट ड्राइव रिव्यू द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का। गाइस, मैं इस गाड़ी को सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के टर्म्स में 10 out of 10 देना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस से। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। हम आपसे मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में एंड किसी न्यू कार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।